भाई एक बार नजारे देख लो यार दिल्ली के भाई, यहाँ पे आ गया असली माल। तो भाई ये थी जो ट्रेन हमारी जिसमें हम आए थे, हम सफर एक्सप्रेस, बहुत ही सुंदर ट्रेन थी और हम अभी है दिल्ली में। भाई बहुत दूर उतार दिया है ट्रेन ने, देखिए कितना दूर उतारा है, अभी वहां तक चल के जाना पड़ेगा। भाई यहाँ पे रिक्शा वालों की जुगलबंदी चल रही है, मजा आ रहा है। अभी हम इस रिक्शा में बैठे और जा रहे हैं यहाँ से नई दिल्ली, 6 किलोमीटर का रास्ता है, ज्यादा नहीं है। और वहाँ पे कोई रूम देखेंगे सस्ते में, अपने जो बजट में आएगी। और उसके बाद सबसे पहला काम है आज हमें कपड़े धोने, क्योंकि बहुत दिनों से, मतलब जब से आए तब से कपड़े नहीं धोए हमने, तो आज हम कपड़े धोएंगे, रूम में ही सुखाएंगे और शाम को 4-5 बजे तक कहीं पे निकल जाएंगे घूमने के लिए, नहीं तो कुछ खाने पीने के लिए। दिल्ली आए यार, छोले कुलचे नहीं खाए तो क्या मतलब है। तो फिर अभी देखते हैं, एक सवारी का इंतज़ार हो रहा है, चलते हैं। और पहले जो रिक्शा वाला था मुझे 300 रुपये बोल रहा था, इसने 100 रुपये में लेके जा रहा है। हाँ ठीक है, शेयरिंग है लेकिन चलो। भाई जब भी आता हो ना जहाँ पर भी, सबसे पहली दिक्कत आती है रूम ढूंढना। एक बार रूम मिल जाए ना अपने बजट में, सब ओके हो जाता है। अभी वही कर रहा हूँ, रूम ही ढूंढ रहा हूँ। भाई दिल्ली तो बहुत खतरनाक है, लोग पीछे, एक तो क्या पूछ रहा था, मतलब क्या ही बताओ, अभी मैं शर्म आ रही है बताने को भी। अलग ही सिस्टम है, मतलब इधर का अलग ही है। अभी आया हूँ खाना खाने, खाना खाते फिर होटल ढूंढते, 1 घंटा लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन अपने बजट के ऊपर नहीं जाने का क्या। तो भाई दिल्ली वालों का खाना आ गया है, खाते हैं फटाफट। भाई 2 घंटा मगजमारी करने के बाद ए वाला रूम मिला है, जो कि अच्छा है ओयो की तरफ से। थक गए रे बाबा। तो आइए आप सभी को एक रूम टूर दे देता हूँ। ये है हमारा रूम 301, और यहाँ पे एक टीवी है जो कि चलता है कि पता नहीं। यहाँ पे एक सोफा रखा हुआ है, एक चेयर है, और ये रहा मिरर, अच्छा है। और ये हमारा बैग जो यहाँ पे ऐसे ही पड़ा है, और कुछ बाथरूम इस टाइप का है। बाथरूम में पहली बार देख रहा हूँ, आया तो उसे बैठा हूँ ठीक है। सस्ते में और क्या चाहिए, एक पंखा है, ऊपर पर्दा है, सब कुछ तो है, और क्या चाहिए अपने को। ठीक है अभी नहा लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना है। तो लो भाई हो गए तैयार, पता है ठीक ठाक है लेकिन चल जाता है। तो अभी जाते हैं थोड़ा सा दिल्ली का मार्केट एक्सप्लोर करते, देखते क्या है कैसा है, और फिर दिल्ली के छोले कुलचे भी खाने हैं, बहुत कुछ करना है दिल्ली में, और बाकी के जो टूरिस्ट प्लेस है हम कल विजिट करेंगे। तो अभी चलते हैं। ये है दिल्ली की गलियां जहाँ पे, और यहाँ पे बाजू में हमारा होटल है, और अभी हम जा रहे हैं दिल्ली की मार्केट में, जो कि पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं, 800 मीटर पे, तो चल के ही जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे आप होटल देख सकते हो, जो कि आपको 1000 से 500 के बीच में और 2000 के बीच में भी आ सकती है। और यहाँ पे आपको ई रिक्शा की भी सुविधा दी जाती है, और जो ई रिक्शा आपको दिख रही है ये भी जा रही है। और अभी सच में मुझे ही पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऐसे रास्ते पे घूमने वाला हूँ, देखता हूँ जो भी अच्छा दिखे वो खाने का, वहाँ पे जाने का। बस क्लाइमेट बड़ा मस्त हुआ है यहाँ पे यार। गाइस यहाँ पे मुझे मैकडोनल्ड्स दिखा है, और बहुत ज़्यादा मन है मैकडोनल्ड्स पे जाने का, क्या करे जाएगा, हम बजट से अच्छा है वो, लेकिन देखते जाते हैं वहाँ से आके जाते हैं। तो अभी हम दिल्ली की छोटी छोटी गलियों में घूम रहे हैं, जहाँ पे मुझे तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है, हमें जाना है जहाँ पे खाना पीना ज़्यादा हो वहाँ पे। मार्केट वैसे सही है भाई दिल्ली का, एकदम भरा 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 हुआ है। भाई अब लग रहा है कि हम खाने पीने के मार्केट में आए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए खाने पीने
भाई ये आ गई हमारी आलू चाट, अभी खा के देखते हैं। एक तो ये टूट नहीं रहा है। अरे नहीं आ जा, लेकिन है बहुत सही। तो भाई टिक्के खा गए तो मज़ा आ गया। अभी चलते हैं छोले कुलचे ढूंढने के लिए जो कि फेमस हो यहाँ। एक पनीर बटर ले लिया साथ में। तो भाई आप भी समझा, नवरात्रि आ रही है ना, इसीलिए यहाँ पे इतनी भीड़ लगी है यार। तभी मैं बोलो जगह जाने के लिए भी जगह नहीं यार, यहाँ से इतनी बेकार ट्रैफिक है। तो अभी मैंने सोचा है कि अभी मैं इंडिया गेट जाऊँ जो कि 5 किलोमीटर है, चल के ही जाऊंगा और आते समय रिक्शा करके आएंगे। यार मुंबई में और दिल्ली में ज़्यादा मुझे कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पर भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और मार्केट भी एकदम मस्त भरा हुआ है। भाई यहाँ पे आ गया असली माल, मतलब यहाँ पे पूरा खाने पाने की चीज़, बंगाल स्वीट वगैरह सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। चला जा रहा है, रिक्शा कर ही लिए। इतना चलने के बाद भी दिखा रहा था 4 किलोमीटर दिखा रहा था यार, कौन चलेगा यार इतना। ठीक है अभी रिक्शा से जाते हैं क्योंकि अभी कल भी हमें बहुत सारे प्लेसेस कवर करने हैं, तो इसके लिए हम आज एक तो कवर कर ही लेते। तो भाई यहाँ पे ना मस्त है गुरुद्वारा है, तो उसे हम कल कवर करेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है। गोल्डन टेम्पल तो वैसे भी हम जाने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे भी गुरुद्वारा है, उसके भी दर्शन कर ही लेते हैं। तो भाई आ गए इंडिया गेट, यहाँ पे सामने ही है, थोड़ी देर में एंट्री हो जाएगी। अभी भाई गजब ही भीड़ है यहाँ पे, गजब ही। और हो रहा सामने लाल किला, आपने सॉरी इंडिया गेट। भाई मुझे लगा था यहाँ पे कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो गजब, मतलब जत्रा ही भरी है यहाँ पे, जत्रा मेला लगा है, मेला लोगों का। तो यहाँ पे इंडिया गेट के लिए जाने के लिए यहाँ से ऐसे रोड है, और यहाँ से अंडरग्राउंड सोचा था एक शांति भरे सुकून सी जगह पे आऊँगा, लेकिन यहाँ तो भीड़ मची है यार। ये रहा इंडिया गेट का पूरा एरिया, यहाँ पे दिया गया है, ये मैप है इंडिया गेट का, वही लेके जो आपने अभी देखी थी। भाई भीड़ तो बहुत है, लेकिन सुकून भी थोड़ा बहुत दिख रहा है क्या, क्योंकि गार्डन और लाइट वाइट का जो नज़ारा है बहुत सही है। अभी दिखा तो आपको इंडिया गेट, तो ये भाई इंडिया गेट हमारे सामने आज देख भी लिया।
यहाँ पे चल रहा है इंटरव्यू। सोशल के ऊपर कुछ इंटरव्यू चल रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे आइसक्रीम की दुकानें भी मिलेगी, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ से खरीदते भी और खाते भी हैं मजे से। तो भाई हमने भी ले लिए एक आइसक्रीम, अभी देख ही रही दुकान, तो खाना तो कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं लेकिन मन हुआ तो खा लेंगे। मज़ा आ गया इंडिया गेट घूम के। अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठे और लेट नाइट चलेंगे रूम पे। वहाँ पे क्या चल रहा है यार, देखो थोड़ा सा, चलो चलते हैं वहाँ पे। यार दोस्तों सच पे बहुत सही सी चीज़ें हमारे इंडिया में भी, इसलिए कहता हूँ ट्रैवल पे निकल जाओ यार, मज़ा आएगा बहुत सारा। मुझे भी अभी राजस्थान में मैं थोड़ा सा थक गया था, नहीं तो अभी बहुत सारा मज़ा आ रहा है मुझे भी। जब से दिल्ली में आया हूँ तब से बहुत सारा मज़ा आ रहा है। तो चलिए अभी थोड़ा सा खाना वाना खाने चलते हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं, बहुत सारे शॉट ले लिए, मज़ा आ गया। और यहाँ की पब्लिक इतनी है ना, मतलब क्या ही बताऊँ, यहाँ पे मेला लगा है जैसे, और प्यास भी बहुत लगी, एक भी पानी का बॉटल नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं बाहर भाई, अभी यहाँ पे रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बहुत भसड़ मची है। देखो रिक्शा वालों के भाव भी बढ़ चुके हैं, 100 रुपये 200 रुपये क्या ही करें। सच में मतलब सामने देखने का और वीडियोज और फोटो में देखने का मज़ा अलग ही होता है, सामने बहुत मतलब बहुत खूबसूरत है। क्या यार आया पैदल था, जा पैदल रहा हो, रिक्शा ही नहीं मिल रहे है यहाँ पे, मुंबई के जैसे ही लपड़ा है। सेम मुंबई और दिल्ली में कुछ भी फर्क नहीं लग रहा है मेरे को, रास्ते वैसे ही है, सिग्नल वैसे ही है, सब मतलब जो मार्केट वार्केट सब वैसा ही है। जैसे दिल्ली के लोग रहते हैं ना वैसे ही हम रह रहे हैं। लाइक अभी यहाँ पे आए बिरयानी खाने, जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये और 30 रुपये में प्लेट। अभी प्योर वेज है इसलिए रुका था यहाँ पे, देखते कैसी है। ये है बिरयानी दिल्ली की। भाई मेरे को ये दिल्ली में रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है यार, समझ में आ रहा है मतलब वो पुलिस वाले जो स्टेशन के ऊपर से जाने नहीं दे रहे फ्लाईओवर से, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। अभी वापस यहाँ से घूमकर और 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, यहाँ से सिर्फ 900 मीटर था, क्या ही मुसीबत है यार। भाई एक बार नज़ारे देख लो यार दिल्ली के, क्या ही शानदार बने रात में, क्या दिखती है दिल्ली, वाह भाई। तो गाइज फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद हम हमारे कमरे में आ चुके हैं, होटल पे आ चुके, तो ठीक है मिलते हैं कल। कल जाएंगे हम, आई थिंक कल ना मंडे, सो मंडे के दिन आई थिंक लाल किला वगैरह सब बंद रहता है, तो हम कल करने वाले हैं स्ट्रीट फूड, जो कि ऑल दिल्ली का जो स्ट्रीट फूड है वो कवर करने वाले हैं। सो वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। 100 डेज जो जर्नी है उसमें हमारा साथ अच्छे से देना, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।